सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हैप्पी होली भाई सभी को। आज होली है और यहाँ पे होली की तैयारियां देख सकते हो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भैया हमें मारने के लिए गुब्बारे फुला रहे हैं हमारे सामने और यहाँ पे यश भी फुला रही है गुब्बारे। ये बड़े वाला मैं खुशी के मारूंगी ये खुशी का मारना गुब्बारा। पूरा एकदम रेडी हो चुके हैं भाई हम होली के लिए। जैसे कि आप मेरा लुक देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है इस टाइम पे। और ये रही हमारी पिचकारी जो हम पहले ही ले आए थे भाई, और इसके अंदर सारे कलर हैं अपने। तो फटाक से अभी चलते हैं ऊपर और अपना शुरू करते हैं भाई होली। मजे नहीं आ रहे क्या मत कर मार इधर बार यहाँ पे होली जो है वो शुरुआत हो चुकी है। होली देखो कितनी सुंदर लग रही ना, लग रहा है होली वाली, लग रही हूँ
डालो। गाइस देखो सुंदर लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ देखो। एक पास से हरा ते एक पास से लाल, सुंदर लग रही हूँ मैं। फोन कोशिश की चल रही है ये ठीक है देख परे परे घुमा रही है, परे परे घुमा रही है, दोनों तो छोटा है तो चार चिमटे हो कभी मेरे मुंह पर मार दो बका है वो तो मिस्टर सावरा सीधा रोटी गिर गई, सिद्धि कर सिद्धि कर, रोटी गिर गई। ये क्या लट्टू सा सिर्फ ये कह के यकीन को जो मुझ में बुन लिया नकली बाल सुंदर लग रही हो तुम कलर हटा रही thank you.
वाला लुक देख कर कैसा था समझ के क्या करेगी पढ़ी कहीं जा रही हो खड़ी काम किया खड़ी हो भाई हटो यहाँ से चलो काम ही करने दो। अपनी होली हो चुकी है भाई और अभी फिलहाल बुआ ने गर्मा गर्म बना दिए यहाँ पे आलू के पकोड़े। इतना मजा टेस्टी लग रहा है ना, इतना मजा आ रहा खाने में भाई। तो पहले खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। भाई यहाँ पे बनाया जा रहा है दही पापड़ी जो बुआ ने कल बनाई थी पापड़ी और पूरी मतलब दही पापड़ी की जो चाट होती है ना वो बनाई जा रही है। इसमें क्या है भगोने में? ये दही है। नहीं इसमें 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 पापड़ी है। इसमें पापड़ी है तो भाई देख लो चटनी। मीठी चटनी दही चटनी, आलू हरी चटनी और भाई सब सारी चीजें अवेलेबल है। जब बन जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ जाओ ना एक मिनट। बना रही है तो अभी रुक जाओ भाई। सबसे पहले इसमें जाएगी दही। नए तरीके की ये वो बन रही है चाट। अच्छा जी पहले नीचे चले गई दही उसके बाद मैडम बोल के बताओ ऐसे घूम के मुंह से नहीं सुना जाए। डालेंगे हम थोड़ी सी चटनी। अच्छा जी चटनी को पहले आप थोड़ा हिला लें मेरे हिसाब से। अभी हिलाती हूँ एक मिनट रुके यहाँ पहले। इसके अंदर से निकलेंगी भाई पापड़ी। कितनी खानी पापड़ी तू? दो। एक का? मैं दो लगानी है। एक लगा लेना पहले। एक का मजा नहीं आया पता भी नहीं चलेगी कहाँ चली गई। ठीक है ये डली भाई पापड़ी। चल चल भरावा इत रख के दिखा ना दिख दी नहीं भाई। आ देखो गाइस ये है पापड़ी और ये सारी चीजें भाई घर पे बनी है। चटनी भी घर पे बनी है। ये वाली सौंठ की जो चटनी होती है ना ये भी घर पे बनाई है बुआ ने और ये पापड़ी भी घर पे बनी है। अब इसके ऊपर जाएंगे भाई थोड़े आलू। भुना हुआ जीरा है? सब है। बस ज्यादा मत डाले बाबू इनफ है इतने। उसके ऊपर अब जाएगी इसके ऊपर भाई दही। ये देख लो आजा 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 अंदर बनाने लगी हूँ मैं। अच्छा मैं दे रही हूँ। ओह माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिख रही है बाबू। बिल्कुल दुकान वालों की तरह कर रही है। ये देखो जी ये हैगी साड़ी हैंडमेड चटनी जो मैं कल राती बनाई सी। तू नहीं बनाई सी बुआ ने बनाई सी। बस ज्यादा मत डाले इसको। ले 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 प्रावल ले 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 भाई मिर्ची भी ले। एकदम लग रही है दुकान वाली बाबू। ओह माय गॉड थोड़ा जहा काला नमक भी डाल दें दी। आ किया चाट मसाला। चल प्रावा चाट मसाला भी डालता। चक्को 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 भाई ये देख लो कितनी टेस्टी दिख रही है गाइस। ओह माय गॉड। तो गाइस शाम के बज गए 6:05 और किसी ने आज से कमेंट कर दिया होगा कि मैं 3-4 दिन से व्लॉग में कम बोल रही हूँ। बस इस आदमी तो मौका चाहिए बोलने का बोल दिया इस आदमी ने कि तू व्लॉग में कम बोल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है व्लॉग के लिए। तू ज्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर रही। जो कुत्ते की तरह भौंक भौंक के मेरा गला बैठ गया वो कैसे बैठा है फिर अगर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही तो बिना ब्लॉग शूट करे ही बैठ गया। तो भाई बात ऐसी है कि अभी हम लोग होली वोली खेल के 2 बजे तक नाश्ता वाश्ता कर लिया था हमने और उसके बाद हम फोन चला रहे थे और फोन चलाते चलाते जो हमको नींद आई ऐसी नींद आई जैसे हमने पता नहीं कोई नशा ही कर लिया था कसम से। बुआ ने मिलाया था कुछ हमने ऐसे पकौड़े खाए। पकौड़े खाने के बाद हम सो गए भाई बहुत गंदी नींद में और हमने खाई थी पापड़ी चाट। तो उसके बाद हम सारे सो गए। इसकी शक्ल देख लो ये देख लो ये देख लो और ये देख लो। चुप है जगपाल का ये पता नहीं सुरेश सुरेश और ये देख लो सारा दिन काम 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 करती रहेगी। ये तो काम नहीं है इस लड़की को। हाँ क्या रह गया? दाल। अच्छा भाई यहाँ रखती है बुआ दाल हमारी इसके नीचे बाल्टी बाल्टी के अंदर। नहीं उसमें रखती हूँ उसकी। जोर से इशारों से नहीं बोल रही बुआ मुंह से बोल रही लेकिन हर के धीरे धीरे बोल रही है। नहीं धीरे आज बुआ बनाने वाली है भूरी भूरी दाल और चावल। तो भाई यहाँ पे मैं हूँ और ये पूरा घर। हाँ मैं एक बार आपको घर दिखा दूँ। ये देखो ये पूरा घर पर्दे हमने आज खोले ताकि यहाँ पे रोशनी दिख जाए। अब बुआ मुझे कहेगी तूने वो सेक्शन क्यों दिखाया। बुआ कपड़े दिखा दिए गंदे।
जल्दी आओ। बुआ बंद कर दिया मैंने फोन। बुआ बुआ पर्दे हटा के कपड़े दिखा दिए गंदे। बता कच्चे जल्दी आओ, जल्दी कच्चे कुच्चे सब दिखा दिए इसने। मेरे तो गाड़ी टंग रहा। अरे मत लगा, रोशनी आ रही वहां से। रोशनी आ रही वहां से। हाँ ये थोड़ा स्टोर रूम बना रखा है यहाँ पे। तो क्या हो गया बुआ, सबके घर में होता है स्टोर रूम। भगवान की तरफ नजर लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है हमें। तभी लोग तुम्हें कहते हैं मैसी रहता तुम्हारा कमरा। हाँ आज कृष्णा जी, कृष्णा जी को दिखाती हूँ मैं। ये देखो आज इन्होंने येलो कलर की ड्रेस पहनी है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये बुआ का छोटा सा क्यूटी पाई सा मंदिर है और इधर किधर उनकी सारी चीजें रखी हैं। ये सब कृष्णा जी के सारे साजो सिंगार और ये इनका रात को सोने का सब कुछ इनका ही है। इसमें सब सब सामान इनका ही रखा है, मतलब ये वाला एरिया यहाँ तक का सारा इनका कृष्णा जी का है। तो लड्डू गोपाल जी यहाँ रहते हैं, ये देख लो सुबह मस्त पूजा होती है। क्या आपने दिखाया ही नहीं यार, वो तो दिखा दो। ये रहा सारा सामान जो वहां से लाए हैं। गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं वहां से लेके आई थी ये। हाँ बुआ दो, रोशनी नहीं आ रही। ये देखो आम पापड़, ये मैंने खा लिया खूब सारा। मेरी बात सुनो, देखो ये तो हम क्यूट से वो लेके आए प्रसाद देने के लिए, मतलब बांटने के लिए है ना। क्यूट है ना दोनों प्रसाद। इसके अंदर सिक्का है और ये कटोरी है छोटी सी, और ये ऐसे वाला प्रसाद है, ठीक है। ये तो है प्रसाद, और एक यशु ये लेके आए थे सिंदूर, ठीक है। और अरे बुआ ये बना लेना कल परसों, दाल मखनी वाले साथ बनाएंगे ये। हम जम्मू के, जम्मू के फेमस राजमा जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छी बनती है ये, वो है, ठीक है। ये अंदर रख दो, फोटो याद नहीं रहेगी सर। और मैं एक और बार बता दूं कि जो ये सारा सामान हम लेके आए ना, ये अंकल हमारे नोन हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। उसका उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे के बताती हूँ। आपने जब भी आप जम्मू गए होगे तो आपने इस तरह के बादाम देखे होंगे गाइज, इस तरह के बादाम, ठीक है। अब वहां पे जब आपको दिखाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं, ये देखो इसको ऐसे दबाओ, थोड़ी गड़बड़ हो गई, सारे कच्चे अब आपको तोड़ने नहीं आ रहे। ये देखो ऐसे ऐसे करोगे और ये बादाम खुल जाएगा, और ऐसे आप दिखाया तक नहीं, उंगली अड़ा ली अपनी ये टेढ़ी टेढ़ी सी। मेरे ऐसे करेंगे और इसको ऐसे खोल के दिखा देंगे बादाम को, ठीक है। उसको ऐसे निकालेंगे और ऐसे करके आप इसको खा जाओ। लेकिन जब आप वही बादाम घर पे लेके आओगे ना तो वो आपसे नहीं खुलेंगे, क्योंकि वो मिक्स होते हैं, मिक्स कर देते हैं। लेकिन हम बताया कि हम नॉन से लेके आए हैं, तो हमने उन्होंने बढ़िया क्वालिटी दी है। ये देखो कितने सॉफ्ट दिखेंगे आपको, ये अभी से खुले हुए हैं सारे। ऐसे ये बहुत ही कागजी वाले जो आते हैं वो है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ये है अखरोट, वहाँ के जो जम्मू के बहुत फेमस है। कैसे दिखाते हैं, अरे मैडम ये देखो ऐसे करो, और ये देखो टूट गया, ठीक है। बट जैसे ही आप घर पे लेके आते हो तो वो नहीं टूटता, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर उन्होंने रखे होते हैं, बाकी सारे नीचे मिक्स होते हैं, तो आपको मिक्स वाले दे देते हैं। बट हम उनसे लेके आए तो ये हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी है। और अखरोट के ना सबसे अच्छी पहचान कि वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो बहुत हल्का रहेगा, बजता भी है, बजेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ है ही नहीं, कागजी बेसिकली, कागजी अखरोट होता है। जितना हल्का रहेगा ना उतना अखरोट अच्छा रहेगा। तो ये बहुत हल्का अखरोट है, देखो ऐसे बज रहा है ना, ये मतलब ऐसे खोखले की आवाज आएगी अंदर से, तो इससे पहचान हो जाती है। तो भाई हम ये लेके आए, और ये अखरोट में जो मिठास बनना, बादाम भी बहुत मीठे हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के। और सबसे अच्छी बात, बहुत सस्ते मिल गए। कहाँ मिलते हैं बताइए, हम 1200 रुपए किलो लेते हैं मुंबई में, और ये 650 है, और ये 650 रुपए किलो है अखरोट। 650 बादाम है, नहीं हाँ 650 बादाम है, 600 अखरोट है, मतलब जो भी है बहुत टेस्टी है भाई। और भाई इधर बन रही है हमारी फेवरेट दाल, जो कि मेरी फेवरेट दाल है, भूरी भूरी, जो मैं बहुत मिस करती हूँ मुंबई में, क्योंकि हम कभी कभी बना लेते हैं, ऐसा नहीं दाल तो बनाते ही हैं हम। गाइस ये देखो, दिखा दिया था वैसे मैंने, ये वहीं पे नहीं, जो मैंने बनाया था वो नहीं दिखाया, दिखा दिया था, यशल्स बनवाया था, दिखा दिया था मैंने। ये गाइस ये हमने एक लॉकेट बनवाया था यशल्स का, जो यशु ने पहन रखा है, तो भाई ये लो देखो कितना प्यारा लग रहा है, उसने बहुत सुंदर लिखा भैया ने, देखो। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक स्पेशल सैलेड, जो की मेरी खुद, मतलब मेरे को खुद ही सही पसंद है ये। देखो मैंने इसमें छोटी छोटी मूली काटी हैं, थोड़ी हरी मिर्ची काटी है, उसके बाद काटा है अदरक बिल्कुल छोटा छोटा, और फिर मैं काटूंगी टमाटर, और उसमें मैं काटूंगी थोड़े से प्याज, और फिर डालेंगे ऊपर से ब्लैक सॉल्ट और नींबू, और बस 2-4 पत्ती हरे धनिया की। इसमें जो अलग और मूली का जो टेस्ट आता है ना मिक्स होके, वो बहुत लाजवाब लगता है।
और आप इसको ऐसे पराठे वगैरह के साथ भी खा सकते हो नॉर्मली विदाउट सब्जी, तो एक बार ट्राई करना। और मैं आज किचन में ही बैठी हुई हूँ, नीचे ऐसे मजा आ रहा है बहुत। और यहाँ पे देखो 10 रुपए का एक नींबू मिला है, मुंबई भी माफ कर दिया। किचन में बैठी हुई हूँ ऐसे, ये दाल का पानी पी रहे हैं, दाल का पानी पी रही हूँ मैं भाई। वो ग्लास देख लो कितना बड़ा है। हाँ, ये लस्सी वाला ग्लास है ना यहाँ का। मैंने कल इसमें छाछ पी थी अपने घर पे, यहाँ पे बहुत छाछ होती है। यहाँ पे ना एक जगह पे ना वो बनता है, घी बनता है, तो वहाँ पे मिलती है छाछ बहुत सारी, तो यहाँ पे बॉटल भरी भरी रखी है फ्रिज में। दिखा दू? बुआ कहेगी वरना मेरा फ्रिज दिखा दिया। और बुआ का फ्रिज देख लो भाई कितना क्लीन है, कितने साल पुराना फ्रिज है, और ये क्लीन देख लो कितना है भाई साहब। बहुत सफाई रखती है, बहुत ज्यादा सफाई। आप ना कहीं से धूल निकाल के दिखा नहीं सकते, सही से किसी कोने से भी नहीं, इतना साफ रखती है ना वो, बहुत ज्यादा। उसका एक्चुअली शुरू से ना बुआ को ना कीड़ा है सफाई का, बचपन में हमको उसे बहुत डांट पड़ी है सफाई के पीछे। पोछे में पैर रखते थे ना मैं और मेरा भाई, तो हम कूटते थे बहुत ज्यादा, तुम्हें ऐसे कैसे घुस गए तुम, तो डर लगता था बचपन में तो मुझे इससे। अब बड़े होते होते यही मतलब मेरे लिए ऐसी हो गई गर्लफ्रेंड जैसी, कदम मेरे से डरती है। She is my first girlfriend, डरती है मेरे से, आज मैं कुछ कह दूं मजा ले आंख ऊपर कर दे, सहम जाती है, बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाती है। रॉब है तुम्हारे भाई का, और तो क्या ही बात है, कभी मान ही नहीं कहता। सो गाइस कल हम प्लान कर रहे हैं कि कंजिका बिठाएं, ठीक है। और आज तो आपने होली वाला देख ही लिया। एक्चुअली ना पिछले साल की होली हमारी बहुत गंदी थी, गंदी इसलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा बीमार पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा, बस किसी तरह उठ के थोड़ा बाहर चले गए थे पिछले साल हम, और हमने थोड़ा शगुन कर लिया था क्योंकि हमारी शादी की पहली होली थी वो, तो यही था और तो क्या ही है। अच्छा भाई कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मैं वैसे ये बात उठाना नहीं चाहती थी लेकिन मैंने यहाँ कमेंट पढ़ लिया तो मैंने उठा लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा तो मुझे पता है कि हमारे चाहने वालों को इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं हम लोग किसी से यू नो हम लोग कुछ बातें नहीं है, और ना यहाँ पे कोई यू नो स्क्रिप्टेड व्लॉग बन रहा है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ बता देती हूँ। कुछ महान हस्तियों के कमेंट आते हैं जो कि ये लिखते हैं कि ये हमेशा बुआओं के यहाँ जाते हैं क्योंकि घर वालों ने तो इनको लात मार दी, वो तो इनको बुलाते नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो मैं एक बात ना आपको अच्छे से बता दूँ कि ना तो हमको किसी ने लात मारी है, ना हमको किसी ने ये कहा है कि तुम घर नहीं आ सकते, तुम घर क्यों आए हो। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी सी है घर ना जाने की कि हम चाहते हैं कि वो हमको खुद ऐसे रेस्पेक्टली लेके जाए, खुशी से अपने मन से, जैसे कि सबके लिए नॉर्मल होता है वैसे हमारे लिए हो। इतनी सी बात है, किसी से कोई कलेश ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इन सारी चीज़ों को देखते हुए जजमेंट मत बनो, जजमेंटल मत बनो। बुआओं के साथ बात बहुत ही ज्यादा ओपन है इसलिए हम आते हैं यहाँ पे, और मेरी बुआओं के साथ है इसीलिए यहाँ आते हैं। डुबू की बुआ के साथ नहीं है तो वहाँ नहीं जाते, या फिर किसी भी रिश्तेदार के यहाँ। और यहाँ पे आने का भी फर्स्ट डिसीजन इनका ही होता है, ऐसा नहीं कि भाई मैं मेरा परिवार है तो मैं आ जाती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे से ज्यादा इनकी खातिर होती है यहाँ पे भाई। कुछ कहो आप भी इस बारे में, वो तो दिखती है व्लॉग में। मैं वही तो कह रही हूँ, ये तो बात ही नहीं हुई कि भाई तुम्हें घर वाले नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाएंगे यार, घर हमारा है, वो हम अपनी मर्जी से नहीं जाते वहाँ पे। कुछ बंदे की अपनी पर्सनल चीजें होती हैं, जैसे कि मैं बता दूँ मेरा क्या है। मेरा यह है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे एज अ डॉटर इन लॉ वैसे ही बुलाए जैसे बुलाना चाहिए, जैसे मैं चाहती हूँ मुझे खुद लेने आए वो बाइज्जत। जिस दिन उनके मन में आएगा कि भाई वो ले जा सकते हैं मुझे तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मैटर है, तो वो मुझे लगता है मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और रही बात डुब्बू की, तो मैंने कभी भी उनको रोका नहीं किसी चीज से, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ ये चीजें रखी हुई है कि हम घर वाले मैटर में ना एक दूसरे को फोर्स नहीं करेंगे कि मैं उनको बोलूं कि मैं नहीं जा रही हूँ तो आप जाओ, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं जाएंगे, जैसे कि मैं उनके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये चीजें हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि इतना जजमेंट होना अच्छी बात नहीं है। बाकी तो देखो सोच है, कोई किसी की नहीं बदल सकता, किसी की अच्छी सोच वाले की बदल जाती है लेकिन जिनको बुरी रखनी है उनकी नहीं बदल पाती, तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। वो अभी आगे लुधियाना भी जाएंगे, हो सकता है घर ना जाएं या नहीं जाएंगे, तो उसके पीछे रीजन यही है कि मैं चाहती हूँ कि वो सब आए अपनी मर्जी से, मेरे कहने से नहीं। तो ये एक छोटा सा रीजन है और बस, बाकी और कोई बात नहीं है इसमें, कोई बुलाने ना बुलाने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ एक मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात है कि मैं नहीं जाना चाहती ऐसे। चलो